परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कीहीन कि आपन इकलौता लड़का का दई दीहीन, जो को उनके ऊपर विश्वास करी ओखर नाश न होई पै अनंत जीवन पाई। परमेश्वर अपने लड़का का जग पै दोष लगावे का नहीं, पै ऐसे भेजिन कि जग उनके द्वारा मोक्ष पावे। आज यीशु मसीह के 1 अरब से अधिक उनके बताए मार्ग पर चले वाले हैं। मसीही विश्वास के प्रारंभ बाइबल के शुरू के 400 समाचार की किताबों में मिलत है। यद्यपि बाइबल के और किताबों में यीशु मसीह के सत्य कथा का भिन्न रूप से लिखा गया है, पर ई सत्य कथा पूर्ण रूप से बाइबल में वैद लूका द्वारा रचित सुसमाचार पर आधारित है। वैद लूका अपने एक मित्र थियोफिलिस का यह सत्य कथा लिखत है। प्रिय थियोफिलिस, हम अपना का जौन यीशु के बारे में दिखेन ओखा लिख रहे हैं, जो उन्हें अपना वह सब सत्य का जान सकी। जौने समय कैसर अगस्तुस रोम के राजा और हेरोदस यहूदिया के राजा रहा, वही समय परमेश्वर नासरत शहर के एक ठे कुमारी कन्या के लगे स्वर्गदूत जब्राइल का भेजिन, और उ कन्या के नाम मरियम रहा। मरियम, ते डराओ ना, तोरे ऊपर परमेश्वर की कृपा भाई है। तय गर्भवती होवे, तोरे एक ठे लड़का पैदा होई, और तय ओकर नाम यीशु रखे। ये कैसन के होई? हम तो कुमारी हैं। पवित्र आत्मा तोरे पर आई, ऐसे उ पवित्र लड़का सर्वोच्च परमेश्वर के लड़का कहाई, और ओके राज के अंत कबहू न हो। कुछ ही दिन के बाद मरियम के गर्भवती होते है पता चला कि ओखे पितियाउत बहनी इलिशिबा की बुढ़ाईदार लड़का होए वाला है। तब बहने वह बहनी के गांव चल दी। इलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, धन्य है ते और वह लड़का जोन तो से पैदा हुई। काहे कि जैसे हम तो प्रणाम सुनन तैसे हमारे पेटे में बच्चा खुशी से कूदे लाग। हमार जीव प्रभु की प्रशंसा करत है और हमार आत्मा हमारे उद्धार करता परमेश्वर में खुशी है। अब से सगले जुगन के लोग हम ही धन्य कही है। नासरत नगर के रहने वाले सुना, सम्राट अगस्तुस के आज्ञा से दलील अहूर यहूदिया प्रांत के सब मनाइल के गिनती होई। यही से सब जगह का अपने पुरखन के गांव देश वजाय के नाव लिखवावे के परी। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाव लिखावे के लाने यहूदिया के बेतलहम शहर में गए। पर बेतलहम में उन्हें रुके का कहां ठिकाना नहीं मिला, उन्हें एठे गौशाला में जगह मिली। गांव के फैले बरदिहार ओसरी के पहरा रात के आपन भेड़ ताके रहे। एकाएक दयु में अजोर चमका और वह समय एक ठे देवदूत प्रकट हो गया। आज दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्म लीनी ही और उन प्रभु मसीहा ही। बरेदी जल्दिन सारी में जन्मे उवा लड़का का देखे चल दीहीन। उ पहले मनाइन में गिने गए जो उन कुमारी कन्या द्वारा उद्धार करे वाले के जन्मे के सुसमाचार का सुनाई। एक सप्ताह के बाद जब लड़का के नाव धरावे के समय आवा तो वह लड़का के नाव यीशु रखा गया। यूसुफ और मरियम लड़का का परमेश्वर के समूहे यरूशलम ले गई। आराधनालय में सिमोन नाम के एक थे धर्मात्मा और भक्त मनाई रहा। उन्हें पवित्र आत्मा से यह आशीर्वाद मिला रहा कि जब तक वो मसीह के दर्शन न कर ले तब तक वो मृत्यु का न देखी। फिर परमेश्वर अपने दास का अपने वचन के अनुसार शांति से अपने पास बुला ले। कि हमारा की आज अपना तो धारक देख ली, यह लड़का परमेश्वर के चुना है।
अपना दोनों का आशीष मिले। मूसा के व्यवस्था के अनुसार जब वो धार्मिक कर्तव्यन का पूरा कर चुके ओखे बाद यरूशलेम से नासरत लौट आए। जब ईसु 12 बरिस के भें तब मरियम और यूसुफ उन्हें फसह त्योहार में यरूशलेम लेगी। लौटत समय यह सोचिन कि लड़के ईसु उनके साथ है तो ईसु पीछे छूट गिरा है। उन्हें खोजे के लाने पुन के शहर लौट आए और तीसरे दिन ईसु का आराधनालय में धार्मिक गुरुवन से बातचीत करत देखें। यह कैसा लड़का है जो ऐसा सवाल करत है? वो नासरत से है, हम सोचे वो हमारे साथ है, एक ही गलती का क्षमा करब। बालक ईसु के बाद सबका चकित कह दी। लाला तू हमारे साथ ऐसा काहे की है? तुम्हारी ढूंढत ढूंढत तुम्हार बाप और हम कितना परेशान है। हम ही अपना सहता ढूंढत रहन, काहे अपना का नहीं मालूम कि हमारे पिता परमेश्वर के काम का पूरा करे का है। और ईसु उनके साथ में नासरत लौटे और परमेश्वर और मनाइन के आशीर्वाद से बुद्धि और शरीर में बढ़े लागे। राजा तेवरियस के राज्य के 15वें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहूदिया के शासक रहा और हेरोदस गलील के राजा रहा। हन्ना और कैफा महायाजक रहे। रेगिस्तान में परमेश्वर के आशीर्वचन यहुन्ना का मिला और ऊ यर्दन नदी के आसपास के प्रदेशन में पापन की क्षमा तथा पश्चाताप के बपतिस्मा के प्रचार करे लागे। अपने पापों से पछतावा करा और बपतिस्मा ला और परमेश्वर तुम्हारे पापर का क्षमा करही। जैसन के यशाया भविष्यवक्ता के किताब में लिखा है, रेगिस्तान में को गहरावत लाग है, प्रभु के खातिर गली तैयार करा, प्रभु के यात्रा के खातिर सीत गली बनावा, एक एक घाटी जरूर भरी जाए, हरेक पहाड़ और टीला संतर करा जाए, डेढ़ मेढ़ गली सीध करा और ऊबर खाबर गली सपाट करा, ताकि सगली मरेन के जात परमेश्वर के उद्धार का देखे। हमका का करे का होई? नहीं बताई हम का। अरे सांप के सपोलो, अपना बताई हमका का करे का चाही? मदद करी, हमका बताई कि हम कौने कही जाई। यदि कौनों के पास दुठे कमीज होए, तब वह ओ मनई का दई दे जेके पास नहीं आए, और जेके पास खाए का होए वह बांट के खाए। गुरु जी, हम चुंगी ले वाले आहन, हम का करी? निर्धारित किन चुंगी से अधिकार ना लाए और हम का बताई, हम का करी? कौनों से जबरन धन ना लाए और कौनों पे झूठ आरोप ना लगाए, अपने कमाई में संतोष करा। हम का बताई का अपना मसीहा है? हम तुमका पानी से बपतिस्मा दी थे, पै जौन आए रहे हैं वो हमहू से अधिक महान है। हम तो उनके पढ़ी के गठान छोड़े के लायको नहीं आए, वो तुमका आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दी है। उनका सुपा उन्हीं के हाथ में है और वह गेहूं का भूसी से अलग कर अपने कुठला में रखी।
पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर उतरी। और सड़क से आवाज आई कि तुम हमार परम प्रिय लड़का आ है, हम तो उसे बहुत पसंद हैं। लगभग 30 बरिस के उम्र में यीशु अपन सेवा आरंभ कीहिन। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यीशु यरदन से लौटे। आत्मा से प्रेरित उन 40 दिन वियावान में रहे, जहां शैतान उनका परीक्षा लेत रहा। यह बीच में वो कुछ खाइन नहीं। तब शैतान उनसे कहिस, जो ते परमेश्वर की लड़का है तो ये पथरा कहो रोटी बन जाए। यह लिखा है कि मनुष्य रोटी भर से नहीं पर परमेश्वर के हर वचन से जियत रही। तब शैतान उन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले गया और क्षण भर में संसार के सगला वैभव दिखाई। हम सब अधिकार और संपत्तियों का दे सकी थे, यह सब हमका सौ पागा है और हम जेखा चाही ओखा दे सकी थे। जो ते हमका एक बेर प्रणाम करिए तो यह सब तोर हो जाई। यह लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करा और केवल उन्हीं की सेवा करा। तब शैतान उन्हें यरूशलेम के इट्ठे आराधनालय के गुंबज के ऊपर ले गया। जो ते परमेश्वर के लड़का है तो यहाँ से कूद जा, काहे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतन का आज्ञा दी कि उतों का हाथों हाथ उठा ले ही जोने तोहरे घोड़े में ठेसो भरने लगी। धर्मशास्त्र कहत है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। फिर यीशु नासरत आए, जहां पर वो पले और बड़े भी रहे। कैसा है बिटिया? ठीक है। विश्राम दिन उन नियमानुसार आराधनालय गए। और उन्हें यासया भविष्यवक्ता के किताब में से इट्ठे पाठ पढ़े का कहा गया। प्रभु के आत्मा हमरे ऊपर है, काहे को हमका गरीबन का शुभ संदेश सुनावे का चुनिन है। वो हमका भेजी नहीं कि हम कैदिन के छूटे और अंधरन के दृष्टि पावे के प्रचार करी। सतायन के मुक्त करे के समय आ गया है और यह बतावे के समय आ गया है कि परमेश्वर अपने मनैन का बचाई है। ने कहा बोला था जैसन अपना एका पढ़त मसूनन आज धर्मशास्त्र की यह लेख पूर होई गया। का परमेश्वर के वचन सच होई? यह प्रतिज्ञा केवल मसीह पूर कई सकत है। हम कैसन के जानब? हम जानित हैं कि अपना हमसे कहा कि वैद्य तो खुदों का ठीक करा
और यहाँ कहा कि अपने शहर में वह कर जौन कफरनहुम में कर है। हम तो उनसे कही थे कि कौन भविष्य वक्त अपने देश शहर में सम्मान नहीं पावे। यह मेर से ईसु अपन परिचय परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त हो के और जग के उद्धार कर्ता के रूप में दही। वह यहूदी लोग उन्हें मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं की। उन्हीं लोग वाक पहाड़ी से गिरावे चाहे पै ऊ भीड़ में से निकल के अपने राह में चल रही। और गलील के नगर कफरनहूम पहुंचे। वह समय पर देश रोमी साम्राज्य के अधीन रहा। चौने में लोग उनके अत्याचार से छुटकारा पावे के लाने मसीहा के प्रतीक्षा में रहे। का शांति मिले। प्रणाम स्वामी। श्रीमान का तुम्हारे नाम आ सकित हैं? आई ना ये तो हम ही छाड़ के ना जाई है ना स्वामी। हम ही कुछ बताई हमको बताई प्रभु यीशु हमका उपदेश दे। एक बेर दुई छे आदमी एठे धर्म गुरु और एठे चुंगी ले वाला मंदिर में प्रार्थना करेंगे। धर्म गुरु अलग ठाड़ हो कि यह मेर प्रार्थना करे लाग। परमेश्वर हम तुहार धन्यवाद करित हैं। हम औरन तक लालची बेईमान और दुराचारी नहीं आहन। और धन्यवाद करित हैं ये चुंगी ले वाले कस तो नहीं नाहन। हम सप्ताह में दो रोज उपासे रहते हैं और आमदनी के दसवां हिस्सा तुहा ही देते हैं। पर चुंगी ले वाला दूरी से ठाड़ हो कि सड़क कई निहारे बिना आपन छाती पीट पीट के कहे हे परमेश्वर हम पापी पर दया करा। हम बताई वह चुंगी ले वाला परमेश्वर के नजर में धर्म गुरु से अधिक धर्मी माना गा उस स्वर्ग का। जी अपने आप का बड़ा दिखाई वह छोट हुई और जी अपने आप का छोट मानी वह बड़ा कीन जाई। अपने नाव का गहरे पानी में ले चला और अपने साथियों के साथ मछलियों के लाने जाल डारा। स्वामी हम सलगी रात जीव देहन पर कुछ पकड़ में नहीं आवा पर अपना कहित हैं तब उनके जाल डारे दे थे। याकूब युहन्ना याकूब युहन्ना आप पन्ना आगे कहीं ले आवा हमार मदद करा जल्दी। हम ना आ पाऊ बहुत काम है। बहुत है भैया बहुत है। प्रभु हमसे दूर चले जाई हम एक पापी मनई हैं। तो डरा ना आज से तू ही लोगन के हमरे लगे ले उबे। हमारे पास आवा हमार बात सुना हमारी बात माना तो तू जीवन पाऊबे। प्रभु जब तक मिल सकत है उन्हीं हेरा और जब तक पास में है गुहरावा। दुष्ट अपन दुष्टता और पापी अपन विचार छाड़ दे। तू आनंद से भर के शांति के रास्ता में चलवे काहे कि वो पूरी तरह तुहे क्षमा कर दे।
यीशु यीशु विनती करी कि हमारे बिटिया को बचा ले प्रभु, दया करी। हमार बिटिया 12 बरस की है और मरे वाली, कृपा करके हमारे साथ चली। यार हमें ही दुख है यीशु, तुम्हार बिटिया मर गए, अब गुरु जी का कष्ट न दे। तू डरा ना, हमार विश्वास करा ठीक हो जाए। तू पचे रोबा ना, वो मरी नहीं आ सोबा त्या है। बिटिया उठ जा। का कुछ खाना दे, और ध्यान रहे यहाँ जोन भा है वो कोहूस न कहे। ओखे बात उ चुंगी ले वाले मत्ती लेबी का चुंगी नाका मत चुंगी लेत दिखिन। हमरे पीछे आवा, और ईसु प्रार्थना करे पहाड़ में चले गए जहां उन सगली रात परमेश्वर से प्रार्थना करें। और उन अगले दिन 12 लोगों का दीक्षा दे के अपन चेला बनाएं। सिमोन जेही उ पत्रस नाम दिहिन। और ओखर भाई आंद्रियास। याकूब। और यहुन्ना। फिलिपुस। और बर्तुलमै। और मत्ती। और थोमा। याकूब हलफई के लड़का। और सिमोन जौने का जिलोतिस कहत रहे। यहूदा जौन याकूब के भाई रहा। और यहूदा इस्करियोत जौन विश्वासघाती निकरा।
धन है तू जो दीन है, काहे कि परमेश्वर की रात तुहार आए। धन है तू जो भूखे है, तू अघावे। धन है तू जो रुकते है, तू खुशी होवे। धन है जब लोग तुहका धिक्कारें, अपमानित करें, नकारें और हमरे कारण तुहका बुरा कहें, तब तो खूब खुशी होकर नाचे। कहे कि तुहरे खातिर स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यह करे वालन के पूर्वज भविष्यवक्तन के साथ ऐसे करे रहें। सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, हमें लगे इतने है। का मतलब तोर की तरह लगे इतने है? कार है तोरे पर जो अब धनी है, तू अपन आराम वाला जीवन बिता लिया है। जो धनी न बने चाहे वो कोनो पगल हो ही। धिक्कार है तोरे पर जी हंसते है, तू अब रोबे और विलाप करबे। जब लोग तुहार बढ़ाई करें, ये बहुत दुख की बात है। काहे कि उनका पुरखा झूठ भविष्य वक्तन के लानी यह कहीं। पर हम तो उसे यह कही थे कि शत्रुवन से प्रेम रखा, घृणा करे वालन से प्रेम कर, जिस हरापे उनका आशीष दे, गलत करे वालन के लाने प्रार्थना करा। जो को एक गाल में चटकन मारे तो दूसरों गाल फेर दे। जो को तुहार कोट ले तो का अपन कमीजो दे दे। कौनो मांगे वाले का नाही ना करे। जो को तुहार चीज ले ले तो वह तू कबहू ना मांगा। वह मेर व्यवहार करा जैसन तू दूसरे से चाहते है। जो तू अपने प्रेम करे वाले से प्रेम करते है, तब तुमका आशीष काहे मिले। काहे कि पापी वो अपने प्रेम करे वाले से प्रेम करत है। जो तू अपने भलाई करे वाले से भलाई करते है, तब तुमका आशीष न मिली। काहे कि यह तो पापी करत है। वह वही कैसन छू सकत है, वह उसे कैसन बता सका थे। निर्लज्ज नहीं, अपने दुश्मनों से प्रेम करा और उनका भला करा। उधार दे के ले के आशा न कर, तब तो उनका पुण्य हुई। तू परम पिता परमेश्वर के संतान कहोगे। वो दुष्ट और एहसान न मानने वाले पर कृपालु हैं, दयालु बना जैसन तुम्हार परम पिता दयालु है। यीशु हमें ही बचाई। दोह पर न लगावा तो तोहरे ऊपर न लागी, दोष न लगावा तो तोहरे ऊपर दोष न लागी। क्षमा कर तब तुहू का क्षमा कीन जाई। प्रभु हमें ही अपने मार्ग में चलाई। ते है तब तो हाउ का दीन जाई। जवने नाप से तुम दे है, वह नाप से तुम ही मिली। आंधर दूसरे आंधर का गली नहीं बता सके, ऐसा कर ही तो दोनों गढ़वा में गिरी। अपने भाई की आंखी की तिनका का काहे निहारते है, जबकि अपने नाखी की डूंडा नहीं दिखा है। प्रभु जब गली बताई हमका अपना के जरूरत है। प्रभु धन है जौन महतारी तो का पैदा करी सी और पाली सी। धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन सुनत और मानत है। हम ये मनई का जाने चाहिए थे। तुहार का विचार है का हुआ मसीहा है? या धर्मगुरु रात के यीशु का भोजन करे का घरे में बोलाइस। यीशु उनके घरे में गए और भोजन करे बैठे। चला लड़कियों के साथ चले जा, तू लोग सुने नहीं जा। बहुत तेज पटान थी लड़का। वो यहाँ काहे का आई है हम नहीं जानी।
पकाई रही है। यह मैं नहीं भविष्य वक्ता हो जान लेत के मेहरिया का जुनू का छुअत लागी कैसन पापी वही हो जानत की कैसन कुलटाया है। शिमोन हम जानी थे ये औरत कुआ है हम तो इट्ठे बात बताई थे इट्ठे भी उघर के दू जने कर जा रहे हैं इट्ठे 500 और इट्ठे 50 रुपये कर्जदार रहे दोनों कर्जा भरे लायक नहीं रहे तब भी उघर दोनों के कर्जे माफ कर दिए दोनों में कौन ओखा अधिक मानी। हमरे विचार से जमने के कर्जा अधिक रहा। तू ठीक कह रहा है देखा हम तुहरे घरे आयन पर तू हमरे गोड़ धोवे के लाने पानी भर नहीं दिए भैया औरत आंसू से हमार गोड़ धोईस अब अपने बाल से पोछीस तू चूम के हमार स्वागत नहीं कीन है पर जब से हम आए हैं यह हमार गोड़ चूम अब नहीं छोड़ीस तू हमरे मुड़े में तेल नहीं लगाए भैया हमारे गोड़े में अतर लगाईस तो हमका बताई एकर अधिक प्रेम सिद्ध करत है कि एकर बहुत पाप क्षमा हो गए पर जेकर थोड़ का क्षमा मिली वह थोड़े का प्रेम करी। तोर पाप क्षमा हो गया तो ही तोर विश्वास बचा ले शांति से जब प्रभु यीशु जगह जगह परमेश्वर के राज्य का शुभ संदेश दे लागे और उनके साथ में 12 के चेला और दुष्ट आत्मन से मुक्त की गई कुछ मेहरिया मरियम जौन मगदालिनी कहावत रही योन्ना जौने के पति खोजा हेरोदस के दरबार में भंडारी रहा और सुसन्ना गलील के शासक हेरोदेस यहुन्ना बपतिस्मा देवाले का जेल में डरवा दी काहे कि यहुन्ना यह कहात रहा कि हेरोदेस का अपने भौजी से काज ना करे चाहिए। जब हम पंचे नाइन नगर के द्वारे में पहुंचन तब दिखन कि कुछ लोग अर्थी में एक विधवा के इकलौता लड़का के लाश ले जात रहे और जब यीशु विधवा का दिखिन तो उनकर मन दया से भर गया ताऊ लाश के कफन हटाएन और लड़का से कहिन कि ए दादू उठ भाई आऊ लड़का सही में जीगा आऊ यीशु लड़का का ओके महतारी का सौंप दीन। उनसे पूछा का अपना वह है जेके आवे के बारे में यहोन्ना प्रचार करत रहा या कि हम कौन और का परखी। गुरुजी गुरुजी यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले हमका यह पूछे पठानी कि का अपना वह आन जाऊं आवे वाले हैं कि हम को आऊ के गैल निहारी। जाओ जो देखे सुने है वो यूहन्ना का बतावा आंधर देख सकत है लांगड़ चल सकत है धन्य है वो मने जी हमारे ऊपर संदेह नहीं करता ही। हम ही उठा ले आओ हमरे कांधा पर का आप तुम देख सकते हैं। हाँ हम यीशु को देख ही सकी थे। इठ बीज बोवे वाला बीज बोवे चला कुछ बीज गली में अड़ा आएगा तब वह कचर गा और चिरई वह बीज का चर लीन और कुछ बीज पथरहा में गिरा
वह जाम पर पानी न मिले के कारण मुरझाएगा और कुछ बीज झाड़ी के बीच में गिरा। वह जब जाम तबाय ओखा झाड़ी दबा दीनिस पर कुछ बीज निकही भूमि में गिरा और वह खूब उपजाऊ खूब फर दीनिस और उनसे खूब पैदावार भय। गुरुजी, जब भीड़ इकट्ठा होती तब अपना उदाहरण में काहे बात करित हैं? परमेश्वर के राज की जानकारी तुमका दीन गई है, पयावरण का दृष्टांत में बताई जाती है। काहे क्यों देखियो के नहीं देख पा मैं और सुनियो के नहीं सुन पा मैं? यह उदाहरण के मतलब यह है बीज परमेश्वर के वचन है। गली में गिरा बीज के मतलब यह है कि लोग वचन सुनत तो है पर शैतान आए कि उनके मन से वचन चुरा लेते हैं कि कहूं वचन में विश्वास करके मुक्ति न पा जाए। पथरही भूमि में गिरे बीज उनका दिखावत है जो वचन सुन के खुशी से उनका मानत है पर उनका जड़ नहीं पकड़ा पाता ही। वो कुछ देर तक विश्वास तो करत है पर परीक्षा के समय टिक नहीं पा पाता ही। झाड़ी में गिरे बीज उनका दिखावत है जो वचन सुनत है पर फिकिर धन मोह माया जिंदगी और भोग विलास में फंसे से उनकर फल कबहू नहीं पकता ही। जौन बीज निकही भूमि में गिरे उन लोग आही जो वचन सुन के उनका अच्छे और आज्ञाकारी मन से ग्रहण करते हैं और फरे तक उनका संहारे रहते हैं। दिया जला के कोई बर्तन से मूंदत नहीं है और ना खटिया के नीचे धरता है बल्कि उसका दीवार में रखत है जौने भीतर आवे वाले का उखर अंजोर मिल सके। जौन कुछ लुका है वो सामने ले आवा जाई और जौन गुप्त है वह हेर के अंजोर में ले आवा जाई। ऐसे चौकस रहा कि तुम कौन मेर सुनते हैं। कहे कि जेके पास है ओका और दीन जाई और जौने मने के पास नहीं है उसे जौन कुछ है वह ले लेन जाई। गुरु जी, अपना के भाई और महतारी बाहर ठाड़े हैं, अपना से मिले चाहत है। हमार महतारी और भाई ऊँ आहिजे परमेश्वर के वचन सुनत है और मानत है। एक दिन प्रभु यीशु अपने चेलन के साथ इट्ठे नाव बैठ गए और उनसे कहीं कि चला हम पचे झील के उवा पार चली। और झील पार करत में यीशु सोए गए। विश्वास कहां गया? और वो गरासीनिया के देश में पहुंचे जो झील के पार गलील के सामने रहा। Yeah.
ईशु परमेश्वर के पुत्र, अब नाम से कहा चाहिए थे हम चिरौरी करी थे हमका सजा न दे। तोर का नाम है? सेना। प्रभु हम चिरौरी करी थे हमका नरक में न भेजी बल्कि हमका सुअरिन के ओ झुंड में भेज दे। लौटिया बा रुका रुक जा। और दुष्ट आत्मा उमा से निकल के सुअरन के झुंड में समाये गए। यहाँ से चले जा। अरे जादूगर हमका छाड़ दे, यहाँ से दूर चले जा, हमका छाड़ दे, चले जा यहाँ से। अपना जहाँ जाता हमहू अपना के साथ चलब, हमका अपने साथ चले दी। ते अपने घरे जा और परमेश्वर तोरे लाने जो उनकारीन है ते सबसे बताओ। प्रभु यीशु और उनकर चेला भीड़ से अलग होई के लाने बेतसदा पहुंचे। भीड़ का एकर पता लगेगा और वो लोग प्रभु का पछियाए चले। ताज के पत्रस कहीं स्वामी इनका पंचन का भेज दे कि ये लोग नेरे के गांव में जाए के अपने लाने भोजन और राह के जगह ढूंढ लें, यह जगह बहुत सुनसान है। तू पचे खुदा इनके खा की व्यवस्था करा। पर हमारे लगे तो 5 रोटी और 2 मछली भर है। धन है नबला पिता परमेश्वर सगले जग के मालिक जौन भूया से अन्न उपजौता है। लोग हमरे बारे में का कहते हैं? कुछ लोग अपना का यहुन्ना बपतिस्मा दे वाला, कुछ लोग अपना का एलियाह कहत हैं, और कितनों कहत हैं कि कौनो पुराण भविष्यवाणी करे वाला जी आबा है। तू लोग का कहते हैं? तू लोग बतावा हम को हैं। अपना परमेश्वर के मसीहा हैं।
तू ये बात कहुस न कहे। हमरे लाने ये जरूरी है कि हम दुख उठाई अपमानित होई और जान से मार डारे जाई और तीसरे रोज मारे मासे पुन के जी आई। का तुम्हारे वैसे कोई हमारे साथ आई? हम अपना के साथ चलब गुरुजी। पहले हम अपने घर वालों से विदा तली ले। जे अपन हाथ हर पर धे के पीछे निहारत है वो परमेश्वर के राज के लायक नहीं है। जे का हमारे साथ चले हो तो वो अपने आप से इनकार करे और रोज अपन क्रूस उठा के हमारे पीछे चले। काहे कि जे अपन जीव बचाई वो ही खोई और जे को हमारे खातिर जीव दे वो ही बचाई। बतावा के सगले संसार के संपत्ति पाए के अपन जीव न रही तो का फायदा। जे हमसे वो हमारे उपदेशन से लजई तो हमहू अपने पिता के या स्वर्ग दूतन के महिमा के साथ जबाऊ तो हमहू वो मनई से लजाब। फुरिन कही थे यहां कुछ जने ऐसा है कि जब तक वो परमेश्वर के राज का न देख ले हैं वो न मर ही। तबे प्रभु यीशु यूहन्ना याकूब और पतरस के साथ पहाड़ में प्रार्थना करे चले गए। प्रार्थना के समय उनके मुहे के स्वरूप बदलिया और उनकर ओन्हा जगमगाय लाग। एकाएक स्वर्गीय महिमा से परिपूर्ण दुई भविष्यवक्ता मूसा और एलियाह यीशु से बात करे लागे। अपना परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करब अपना के मौत यरूशलेम में होई। उनके जात के समय पतरस प्रभु यीशु से कहिन, स्वामी ये कितना निकहा है कि हम पंचे यहाँ हैं, काहे ना हम पंचे तीन तंबू गाड़ी दे, एक मूसा के लाने, पतरस ये कहते रहे कि इतने में एक थे बदरी उन्हें घेर लीस और चेला डेराएगी। बदरी से आवाज आवे लाग कि यह हमार लड़किया आए जौने का हम चुनन है, एका तू पचे सुनत जा। के हमरे लड़का का देखी और दया कई के ओकर सहायता करी। यह हमारे के संतान है, अपने भी चेलन से दुष्ट आत्मा निकारे के विनती की हन पर उन्हें निकाल पाइन। अरे अविश्वासी जड़ मनेव, हम तोरे साथ कब तक रहा बोर साहब? ले आओ अपने लड़का का। Oh, my God.
अरे ओखा रोग ठीक होएगा, बस नहीं हो। का प्रार्थना करब सिखाई जैसे योहन्ना अपने चेलन का प्रार्थना करब सिखाएं। तो ऐसा प्रार्थना करा, हे हमारे पिता जिस स्वर्ग में हैं, अपना के नाम पवित्र माना जाए, अपना के राज्य आवे, अपना की इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा यहाँ पूरी होए, हमार रोज की रोटी अजगो दे, हमारे अपराधन का क्षमा करी जैसन के हम अपराधियों का क्षमा करे हैं, और हमका परीक्षा में न पड़े दे, पर हमका बुराई से बचाई। तू मंगबे त दीन जई, हेरबे त पौबे, और खटखटौबे तो तोहरे लाने खोला जई। काहे कि जे मांगत है वही दीन जात है, जे हेरत है वो पावत है, और जे खटखटावत है ओके लाने द्वार खोला जई। तू पचे में कौन ऐसा बाप हुई जौन अपने लड़का का रोटी मांगे पर पथरा दे और पानी मांगे पर जहर दे। जब तू खराब हो के अपने लड़का का अच्छी चीज दे चाहते है, तो तुहार परम पिता परमेश्वर अपने मांगे वाले का पवित्र आत्मा काहे न दे। हम यह कही थे कि अपने जीव की चिंता न करा कि हम का खाब का पियब, और अपने शरीर की चिंता न करा कि का पहिरब। काहे कि जीव भोजन से बढ़के और शरीर कपड़ा से बढ़के है। ऊंची रैन पक्षी इनका देखा, उन न बोवत आही न काटत आही, और न उनके लगे कौनो भंडार है, फिर परमेश्वर उनका खवावत है। और तू तो पक्षी से बढ़ के है। तुम में से चिंता करके को अपन उम्र बढ़ा सकते है? जब तुम यह छोट का काम नहीं कर सकते है, तो और चिंता काहे करते है? फूलन का देखा, वो कैसन बाढ़त हैं, ये कैसा मेहनत नहीं करें, पर राजा सुलेमानो इनके कस सुंदर वस्त्र कबहू नहीं पहिर सका। जब परमेश्वर घास के मैदान का जौन आज है काल सूख जाई सजावत हैं, तब तुमका जरूर सुंदर कपड़ा पहिर रही हैं। हे अल्पविश्वासियों, हमारे विश्वास का बढ़ाई, जो तुहार विश्वास राई के दाना के बराबर होत, और यह बिरबा से कहते है कि जड़ से उखड़ के समुद्र में जाए लग, तब वह तुहार बात मान ले। पापा परे के परीक्षा जरूर आवत थी, पर जिखे कारण ये आवत थी ओके लाने या ठीक हुई ओके घुटकी में पाथर बांध के समुद्र में डार दीन जाए, जवने की छोटे से छोटे का ठोकर के कारण हो। परमेश्वर के राज काहे कस है, वह ऐसन है जैसे एक आदमी एक दाना राई अपने खेत में बोवत है, और पौधा बढ़ के पेड़ बन जात है, और पंछी वहीं पर अपन खोथा बनावत है। इका कहते हैं, हमारे कुछ समझे में नहीं आवे। अपना चुंगी ले वाले और छुतिया मन इनके साथ काहे खाई पीता है।
स्वस्थ लोगन का वैद्य की जरूरत नहीं हो, पर रोगिन का होती है। हमार प्रश्चित के संदेश धार्मिक लोगन के लाने न हो, बल्कि उनके लाने आज या धर्मी है। हमका सड़क के बारे में बताई, का औरो कुछ है? ऐ लोगो डरा ना, काहे के परमेश्वर की यह इच्छा है कि तू होकर राज दे, आपन सब कुछ बेच के आपन पैसा गरीबन में बांट दे, और अपने लाने ऐसा बटुआ बनावा जौन फाटे ना, स्वर्ग में धन जोरा जौन कबहू घटे ना, काहे कि वहाँ चोर नहीं पहुँच सकता ही और न किरबे खा सकता ही, और जहाँ तुम्हार धन हुई वहाँ तुम्हार मन लगी। हे नारी, जा तैं बेरामी से मुक्त भए। देखा देखा, ये तो ठीक हो गए, ये तो चमत्कार है, ये तो ठीक हो गए, आवा देखा। प्रभु, प्रभु की जय हो। अठारह वर्ष के रोग परमेश्वर अपना को बनाए रख। छह दिन तक हम काम करी थे यही से चंगाई के लाने, खैर वैसे कोनो दिन आ सकते है, भाई विश्राम के दिन नहीं। अरे कप्यू, का विश्राम के दिन तोहरे में से कोई जानवरन का छोड़ के पानी पियावे नहीं ले जाते है? और या रजन इब्राहिम के वंश किया 18 साल तक शैतान के बंधन में रही, विश्राम के दिन का छोड़ा गलत आए। उत्तम गुरु जी, अनंत जीवन पामे के लाने हम ही का करे कपड़ी। हमका उत्तम काहे कहते हैं? परमेश्वर के सिवा कोई उत्तम नहीं है। तू प्रभु की आज्ञा तो जनते है, व्यभिचार न करे, हत्या न करे, कोनो पर झूठ आरोप न लगावे, अपने बाप महतारी के सम्मान करे। भाई सब आदेशन का हम लड़काइन से मानत आहें। तुम ही एक और काम करब जरूरी है, आपन सब कुछ बेच के सगला धन गरीबन में बांट दे, तो स्वर्ग में धन मिले, फिर तू हमारे साथ चला। पर हम तो व्यापारी हैं, बहुत है धनी। धनी मनई का परमेश्वर के राज में जाप बहुत कठिन है। धनी मनई के लाने परमेश्वर के राज में पहुंचा कठिन है, जबकि ऊंट का सूजी की छेदा से निकलब सरल है। तो फिर मुक्ति का को पा सकत है? जौन मनई के लाने असंभव है, परमेश्वर के लाने संभव है। फुरिन परमेश्वर के राज कहाँ हुई? परमेश्वर के राज प्रकट रूप से नहीं दिखा है, कोई यह नहीं बता सके कि देखा एठे है कि ओठे है, काहे कि परमेश्वर के राज तोहरे में है। वह समय आई जब तू परमेश्वर के लड़का के आवे के दिन का देखा चाहबे, पर देख न पाओगे। जैसे बिजली आकाश में एक कैती चमक के दूसरे कैती दिखा थी, वैसे परमेश्वर के लड़का अपने दिन में प्रकट हुई। पै ओखे पहले ओका बहुत दुख उठावे का परी और अपमान सहे का परी। आकाश और पृथ्वी के टरप सहज है, पर परमेश्वर के वचन के एक शब्द न टरी। हम कही थे बहुत भविष्यवक्ता और राजा, जो तू देखते और सुनते है, देखे और सुने चाहिन, पर ऐसा नहीं भा। तो हम का करी? धर्मशास्त्र का कहत है, ओखर का मतलब है? तू अपने प्रभु परमेश्वर का पूरे दिल से, पूरे जान से, आपन पूर सामर्थ से और पूर बुद्धि से प्रेम करा, और अपने पड़ोसियन का अपने समान प्रेम करा। तू ठीक कहते है, यह करत जियत रहबे। हमारे पड़ोसी को आए सिपाही तो नहीं, राजा तो न हो ही,
एक बेर एक मनई यरूशलम से यरीहो जात रहा तो डाकू हमला कई दिन हिन तौखा लूटिन पीटिन और अधमरा कई दिन तब अठे धर्म गुरु वहां से निकले उई देखिन पै उसे कैथिया के चले गए ऐसा एक जने पुरोहित निकले पै वही देख के आने कहती फिर गए पैठे सामरी यात्री वही ठे से निकरत मा वह घायल आदमी का दिखिस वही बड़ी दया लाग वह सामरी यू घायल के मरहम पट्टी करिस फिर वही अपने सवारी में बैठा के इठे सराय में लग गया जहाँ ओकर अच्छी सेवा टहल करिस दूसरे दिन सराय के मालिक का कुछ पैसा दे के ओकर देखभाल करे का कहिस और कहिस जौन कुछ खर्चा आई हम लौटे में तोहका देब। बतावा क्यों तीनों में घायल आदमी के साथ को अच्छे पड़ोसी के फर्ज निभाहिस जान ओखा मदद करिस तू ऐसा कर लड़कन का हमरे पास हवा दे उन्हें रोका ना काहे कि परमेश्वर के राज इन्हीं के लाने आए हम तो उसे सही कही थे जे कौनो परमेश्वर के राज का लड़कन के तरह ना अपनाई तो उमा ना पहुंची जो को हमरे नाम से लड़कन के स्वागत करत है वह हमका और हमरे परम पिता परमेश्वर का अपनावत है जौन सबसे छोट है वह महान है नासरत के यीशु यहाँ से निकरत लागी यीशु प्रभु यीशु हे दाऊद के संतान हमारे ऊपर दया करा ते का चाहते हम तो रिलानी करी हम पुन के देखा चाहिए था ता देख तोर विश्वास तो ही ठीक कह दिए हम देख सकी था हमका देखा लाग हम देख सकी थे यरूशलम जात के समय जगह जगह प्रभु यीशु का काफी संख्या में भीड़ मिलत गए लोग बाग उनसे उद्धार होए के रास्ता और परमेश्वर के राज के बारे में समझावे की इच्छा जाहिर की हैं। और प्रभु और स्वामी हमका बचाई प्रभु। लोग बाग प्रभु यीशु का आपन प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करब शुरू कई दिन दर्शन के उत्सुक यरीहो नगर में जक्कई नाम के चुंगी ले वाला यीशु का देखे के खातिर पेड़ में चढ़ गया चुंगी ले वाला जल्दी नीचे उतरा जक्कई आज हम तोहरे घरे में रुकब हमारे घरे इनके घरे को रुकी सुना हम अपने संपत्ति के आधा भाग गरीबन का दे दे और जेखा ठगे हैं तो का हम चार गुना लौटा दे <ए। laughs>
हम नहीं मान सके कि एक चुंगी ले वाला तो वो पैसा आप इसके दे ही असंभव। आज घर में उद्धार आवा है, कहे कि यह मने इब्राहिम के वंश किया है, परमेश्वर के लड़का भटकिन का ढूंढ है और बचावे आवा है। सुना, हम पचे यरूशलम जा रहे हैं, वहां हमरे बारे में भविष्यवक्ता जो उन लिखी ही पूरा हुई, ओखा अन्य जातिन के हाथे में सौंपी ही, ओकर हंसी उड़ाई ही और अपमानित कहके ओके ऊपर थुकी ही, कोड़ा लगाई ही और मार डरी ही। पाए तीसरे दिन जी उठी हैं। जबकि ऊ जानत रहे कि पापन के लाने हम ही आपन प्राण त्यागे परी, फिर ऊ यरूशलेम कई चलत गए। बहुतेरे उनके आगमन में बहुत आनंदित हैं और उन्हें आपन राजा मान ली। अपने चेलन का कही के शांत रहा है। हम कही था जो इन लोग चुप रही हैं, सही पत्थर खुदा चिल्लाए लगी है। प्रभु यीशु यरूशलेम के पास पहुंचे और ऊ ओही देखिन और रोवे लागी। भला होत जो तय आज वो अपन शांति की गली का जनते पर तू ऐसा नहीं कह सके। वदी नहीं जब तुम्हार दुश्मन तुम्हें चारियों कैती से घेर के चढ़ बैठी ही जो उन्हें ते बच न पाओ, और तो चारियों कैती से दबके चुक जावे तुम्हें या तुम्हारे लड़कन का और तुम्हारे वंश का पूरी तरह सर्वनाश करके रही हैं। काहे क्यों अपने दया के समय का नहीं चीन सके। यरूशलेम के पवित्र मंदिर आराधना के स्थान हो के बजाय व्यापार के केंद्र बन चुका रहा। पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। हमारे घर प्रार्थना के घर होई, पतु पचे के डाकुओं ने अड्डा बना दिया है। हमारे मवेशी का भगावा था, रोका 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 रोका। कुछ राजनीतिज्ञन और धर्म गुरुवन मां प्रभु यीशु के खिलाफ विरोध बढ़े लाग, काहे कि लोग बाग उन्हीं अपन राजा माने लागे रहे। हम तो यह सोची थे कि बहुत जने ही राजा माने लागे हैं। राजा
भिखारिन चोरन पतुरियन के राजा एक ऐसे बहुत दिखने राजा मुहाबते दावा करते चले जाते लोग नहीं भूल जाते। अनजान न बना, ओखर माने वाले रोज बढ़ जा रहे हैं, ओखर प्रशंसा करत हैं। और सोचा कि वो राजा है, हम तो का सचेत करित है जो ये मनाई और शांति भंग करी तो एक हर जिम्मेदार तुहिन पंचे होवे। लागत ही ठीक कहा थे, हमें ही गलीलन के सामना करे पड़ी। और जैसे जैसे धर्म गुरुवन और शास्त्रीन के पाखंडी वर्ग के प्रति यीशु के अपमान बढ़े लाग, यहूदीन माँ उनकर अनुयायी बढ़े लागे। दूसरी तरफ उन लोगन के विरोध बढ़ा जेखर उन आलोचना की हिंत है। प्रभु यीशु मंदिर में एक ठे गरीब विधवा का दूठे तांबे के सिक्का डारत दिखिंत है। अभी कहा नहीं दे सकते, हम कही थे ये गरीब विधवा सबसे ज्यादा दान दी थी, जबकि और लोग अपने बहुत कथन में से थोड़े का दीन ही नहीं। भाई ये गरीब हो के जौनो कुछ के लगे रहा वो सगला दई दीन ही। हमें बताए अपना का या कहे के अधिकार को दी थी और अपना के का अधिकार है। हम हूँ तो हसे अठे बात पूछी थे, बतावा योहन्ना का बपतिस्मा देख के अधिकार परमेश्वर से मिला है कि मनैन से। हम का जवाब दे, जो परमेश्वर कैसे कही थी तो वह कहे कि तू लोग योहन्ना का विश्वास कहा नहीं करे। जो मनाई कैसे कही थे तो भीड़ पथराव कही दी, काहे कि उन सब योहन्ना का भविष्यवक्ता माना था। हमें नहीं मालूम कि अधिकार कहाँ से है। तो हम हूँ तो महीना बताओ कि हम यह सब कौने अधिकार से करी थे। एक बेर एक मनई अंगूर के बारी लगाईस और बारी का अधिया में दे दीस और कुछ दिन का अपने गांव चला गया। जब अंगूर तोड़े के समय होएगा तब वह मनई अपने ठे नौकर का फसल के अधिया हिस्सा ले भेजीस, पर बटाईदार नौकर का मारपीट के भगा दीनीस। तब मालिक दूसरे नौकर का भेजीस, पर बटाईदार उन्हों का मारिन पीटिन अपमानित करिन और बिना हिस्सा दिए भगा दीन। तब उन तीसरे नौकर का भेजिन, पर बटाईदार ओहू का मारपीट के बगिया से बाहर फेंक दीन। तब अंगूर के बारी के मालिक मन में सोचिन कि अब हम का करी, अब अपने लोलाल लड़का का भेजब, ऊ एकर जरूर इज्जत करी हैं। बटाईदार लड़का का आवत देखिन तब विचार कीन कि यह तो मालिक के लड़का है, जो एका मार डारी तबारी हमार हो जाए। हम ही और बताई, ऊखा बारी के बहरे निकार दीन और मार डारिन। अब देखा बारी के मालिक बटाईदारन के साथ का करही, वहां के ओखा मरही और बारी का दूसरे बटाईदारन का दे दे हैं। धर्मशास्त्र के ये वचन के का मतलब है, जौने पथरा का मिस्त्री हरे सबसे बेकार मानिन वह पथरा सबसे निकाह निकरा। जो कहो ये पथरा में गिरी वह चकना चूर हो जाए, और ये पथरा जेखे ऊपर गिरी तो ही पीस के धई दे। गुरुजी हम जानी थे अपना जाऊं कही तो सिखाई थे वह सही आए, अपना मनैन के पद पे ध्यान नहीं देता है, पर मनैन का परमेश्वर के मर्जी मनैन के लाने बताई थे। बताई रोमी राजा का लगान देव हमरे खातिर नियम के अनुसार गलत है या सही है। प्रभु सचेत रही अपना का पता में चाहता है। हमको इतने चांदी के सिक्का दे। एमा केखर फोटो और नाव है जौन राजा के आए वो राजा का दे, जौन परमेश्वर के आए वो परमेश्वर का दे। तब अखमीरी रोटी केर पर्व नीराय आवा जौने का फसह के त्योहार कहते हैं। और प्रभु यीशु सिमोन पतरस और यूहन्ना का फसह के भोजन तैयार करेगा पहले भेज दी।
दुख भोगे से पहले तुम्हारे साथ फंसा के भोजन करे के हमार बड़ी इच्छा रही। हम तो उनसे कही थे काहे कि जब तक परमेश्वर के राज न आई हमें ही कबहू न खाब। धन्य है न अपना हमार परमेश्वर सगले जग के मालिक जे अंगूर के बिरवा में फर लगावत हैं। एखा ले और आपस में बांट ले। हम तो उसे कही थे कि जब तक परमेश्वर के राज ना आ जाए हम अंगूर के रस न पियब। धन है न अपना प्रभु हमार परमेश्वर सगले जग के मालिक जे भुइया मान उपजौते है। यह हमार देहिया जो तुहरे खातिर दीन जाती हमारे आदमी ऐसे करब करे। यह प्याला हमारे खून में नई प्रतिज्ञा है जौन तोहरे लाने बहावा जात है। पर देखा हमका पकड़वावे वाला हमारे संघे यह मेज में है। हमार बहुत तपक्की है जैसन परमेश्वर निर्धारित करी नहीं पर दुख होके ऊपर है जौन हमका पकड़वाई। कमाऊ नहीं हो सका यह नहीं हो सका है कमाऊ नहीं गद्दार कौन ना है। तुम्हारे माँ से सबसे बड़ा सबसे छोट जैसन बने और रघुआ सेवक जैसे बने। बड़ा कौन है वह जौन भोजन करे बैठा है या जौन सेवा करत है। हाँ वह जौन मेज में बैठा है पर हम तुम्हारे बीच नौकर जैसन हैं। सगली परीक्षण में तू पचे हमारे साथ रहे और जैसन हमार पिता हमका राज करे का अधिकार दीन हिन वैसे अधिकार हम तुमका दे थे। तू पचे हमारे राजमा हमारे मेज में भोजन करिया और तू सिंहासन में बैठ के इजराइल के 12 गोत्रन में राज करिया। तब तक कौनो गद्दार नहीं आए। शिमोन शिमोन सुना शैतान तुम्हारे पचन के परीक्षा ले चाहत है कि निकहिन का खराब से अलग करे जैसन किसान गेहूं से भूसी का अलग करत है। पर हम प्रार्थना करी थे कि यह तुहार विश्वास न डगमगाए आओ जब तुम हमरे कई लौटे तो अपने भाईन का ढाड़स बंधावा। प्रभु हम तो अपना के साथ जेल जाए के और मरे के तैयार हैं। हम तुमका बताई पतरस आज मुर्गा के बाग दे से पहले तुम 3 बेर इनकार करी है कि हम ही नहीं जनते। हम धोखा बिना बटुआ झोरा और जूता के पटे हैं तो कौनो कमी जनान नहीं। कौनो कमी नहीं जनान। पर जेके पास बटुआ और झोरा हो वह उसे ले ले और जेके पास तलवार न हो वह अपन उन्हा बेच के खरीद ले। हम कही थे धर्मशास्त्र में लिखा है कि वह अपराधीन में गिना जाए और हमरे बारे में लिखा सब पूर हुई। देखी यहाँ 2 तलवार है प्रभु। इतना बहुत है। और यीशु से मुक्ति पावे के खातिर धर्म गुरुवन की इट्ठे सभा आयोजित कीन गए। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समाएगा जो उन 12 चेलन में इट्ठे रहा। वह धार्मिक गुरुवन के साथ मिलके प्रभु यीशु का पकड़ावे खातिर योजना बनाई। प्रभु यीशु प्रार्थना करे के खातिर यरूशलेम से जैतून के पहाड़ पर गए।
प्रार्थना करा जैसे तुम परीक्षा में ना पड़ा। यहूदा इस्करियोत केवल चांदी के 30 सिक्कन के खातिर प्रभु यीशु से विश्वासघात की ही। प्रभु यीशु यह सब जानत रहे कि मानव जात के पापन के लाने उन्हें प्राण दे के समय आ गया है और वो प्रार्थना करे लागे। पिता, यदि अपना चाहे तय प्याला हमरे पास से टार ले, तब हमार नहीं अपने की इच्छा पूरी हुई। और प्रभु यीशु का साहस दे के लाने सरक दूत प्रकट भें और उनकर पसीना खून के बड़ी बड़ी बूंद बन के भूई में गिरे लाग। तुम काहे सो रहे हैं? उठा, प्रार्थना करा के तू पचे परीक्षा में न पड़ा। यहूदा, का तो चुम्मा लेके हमका पकड़वा रहे है? प्रभु काहे का तलवार से मार दे। चला ही पकड़ा। बस बहुत हो गया। हम ही डाकू समझ के तू पंचे तलवार और लाठी लेके आए हैं। हम मंदिर में रोज तोहरे साथ रहत रहे, तब तू पंचे हमका काहे नहीं पकड़वाए? भैया तोहरे सक्रिय हो की घड़ी आए, काहे की अब अंधियार की राज हुई। पकड़ ले। यही तक है। तब सिपाही उन्हें पकड़ के आंगन में ले आए और यहूदीन के राजा कहके ठट्ठा उड़ावे लागे। अरे ना देखा। अब का होई? का तू हमका बचाई है ना महाराज? का तू बचाई है? यह आदमी तो यीशु के साथ मरा था। का हम तो ओका जनता भर नहीं आए? हम तो दोनों जने का साथ है दिखन। हम तो तार नौकर हैं। बड़े तैयार बनत रहे, अब कैसन लागत है? तय उन्हीं में से एक थे आए। वह हम ना हुए।
एमा कोनो शक नहीं आए कि यहो यीशु के साथ रहा, कहे कि यहो गलीलिया है। अरे हो ई का कहे, तू लोग केके बारे में बताता है। प्रभु यीशु मुड़ के सीधे पतरस का देखी, तब है पतरस का यीशु के वह बात याद आ गए कि आज मुर्गन के बाग दे से पहले तू तीन बेर हम ही चिन्ह से मना करी है। प्रभु जी, हम विनती करी थे कि अपना अपने महानता के अनुसार हमारे पर दया करी। प्रभु, जब हमार पुरखा अपना के वचन के विरोध करी, तब अपना उनसे नाराज रहन, पर अपना उन्हें नाश नहीं किए, पर अपना उन्हें अपने प्रेम और अपने वचन के कारण क्षमा कई दी हैं। बोल तो का को मारी सी, बता किया तो ही को मारी। बंद करा, बंद करा ये सब, और वही महासभा में पेश करा। चला प्रभु यीशु से पूछताछ करे के लाने सगले धर्म गुरु एक जगह इकट्ठा भी। हम ही बताओ का तहिन मसीहा है? जो हम तोह का बताओ तो तू हमार विश्वास न करी है, और जौन कुछ हम तोहरे पचन से पूछा वो बताए न सकी है। पया बहिन से हम सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के दहिने कैती बैठा करब। का तू परमेश्वर के पुत्र है? हाँ तहन हम। हम खुदा सुने हैं कि वह का कही सी। एक पुला तो उसके लगे ले चले चाहिए। हाँ हाँ ले चलाए। चला और ऊ प्रभु यीशु का कट्टर रोमी शासक पिलातुस की यहाँ लगे, जौन कऊ लोगन का क्रूस के सजा दे के लाने प्रसिद्ध रहा। इतना भिन सारे तू लोग हमसे कहाँ जाते हैं? हम ये आदमी का लोगन का भड़कावत पकड़े हैं। ये आराधना के बजाय हड़कंप मचा दी थी। एकर का सजा होई? यही सजा दे। हम या मनई मर दंड दे लायक कोनो अपराध नहीं पाई था। ये दोषी है, एमा ये गलती पायन की यह रोमी राजा का लगान दे से मना करत है। मसीहा हो के दावा करत है, अपने का राजा कहत है। राजा का अपना यहूदियन के राजा हैं? अपना खुदा कह रहे हैं। यह सब गले से शुरू करिस्ता है और अब यहाँ पहुंच गया है। गलील में का यह गलीली है? ऐसन है तो एका राजा हेरोदेश का सौंप दे चाहिए। अबे वो यरूशलेम में हुई है, एका वहां ले जा। Yeah,
तब तू अपने बारे में का कहते है? जेखा तुम अपन चेला कहते है उन को आही हम सुनन हैं कि अपना अचरज के काम करी थैन हमरे लाने कुछ करी ना महाराज यह सब जनन का बहकावत है और अपने का राजा कहा था यह मनई राजा महाराजा मारा एका खूब बीटा एक हाँ पिलातुस के पास ले जा यह ओहिन के राज किया है या मनाई मृत्यु दंड लायक कौन अपराध नहीं करे यार तब हूं हम एक हकोड़ा लगवाए के छोड़े दे थे अपना यह त्योहार में हमरे लाने एक आदमी का माफ करे की अधिकार रखी थे हमरे लाने बरब्बा का छोड़ दे और ई मनाई सजा दे हाँ हम ही बरब्बा चाहिए चाड़े चाड़े गुहार मारे लागे कि ईसु का क्रूस पर चढ़ाए दे तब पिलातुस ईसु का मृत्युदंड दे दीस और ओखे बदले में हत्या और दंगा के मुजरिम बरब्बा का छोड़ दीस और क्रूस में चढ़ावे के खातिर ईसु का उनके हवाले कह दीस सिमोन कुरैनी है जू तैयार रस्सी काटा
प्रभु जी हम अपना किलाने बहुत दुखी हैं, ले ही अब पी ले। प्रभु पी ले। यरूशलेम की मेहरियो, हमरे खातिर ना रोबा, पर अपने और अपने लड़कन के लाने रोबा। काहे के जब ही पंचे हमरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो तोरे साथ कैसे करही? परमेश्वर अपना के लिए मदद करे। हम अपना के लाने प्रार्थना करा। चल यहाँ खड़े हो, कहाँ चलत रहो? अरबी अरबी आप कहे, चल चल आगे बढ़ो। अरबी चल अरबी अब आगे बढ़ा, आगे आगे चल। अब तक कौन चला? हे पिता, इन्हें क्षमा कह दे, ये नहीं जानता है कि ये का कह रहे हैं। ये बहुतन का बचाई थी, अब अपने का बचाव है। आ जाते मसीहा है तो अपने आप का बचा ले। क्रूस से उतरिया, हम हूं का एकाध ठिका माल दिखावा। और ईसु का क्रूस में दूसरे डकवन के बीच में चढ़ाए दीनगा। यह मेरे से परमेश्वर के भविष्य वक्तन द्वारा सैकड़न बरिस पहले कीन गए भविष्यवाणी पूरी हुई गए। यह कौन साधारण मनाई के उन्हा न हो। हम बताई था रेखा का करी, चला पर्ची डाल ले। अरे तू क्या हुआ? पंजा पड़ गया यार। भाई
जाता तो ओखा मिल गया है, अब तक एकर का करी है। और उनके मुड़े थे इट्ठे तख्ती में यह लिख के लटका देंगे कि यह यहूदियन के राजा आए। जो तय यहूदियन के राजा आए तो अपने आप का बचा ले। काहे तै तम मसीहा है ना, फिर हमका अपने का बचाए न ले। का तुम परमेश्वर से नहीं डराते? उनका वह सजा मिल रही है जौन हमका मिली, पै तो कौनो अपराध नहीं किया ही। हमका याद रखा विशु जी, जब अपना अपने राज में आऊ हम वचन दे कि तू अजू है हमारे साथ सरग में होइया। दोपहर के 3 बजत रहा और सगले देश में अधियार छाएगा। मंदिर के पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग में फाट गया। हे पिता, हम अपन आत्मा तोरे हाथ में सौंपी दें। सैनिकन के सूबेदार यह सब देख के परमेश्वर की बड़ाई करे लाग। परमेश्वर के महिमा होए, या जरूर एक धर्मी मन ही रहा। धार्मिक सभन के इट्ठे धर्मी सदस्य अर्मितिया शहर के यूसुफ जौन यीशु का क्रूस में चढ़ावे के लाने सहमत नहीं रहा, जाय के पिलातुस से मंजूरी लीस जैसे कि प्रभु यीशु के लहास का विश्राम दिन के पहले कब्र में दफनावा जा सके। Ha ha ha!
क्षमा करब, हम पंचे प्रभु के देह के पीछे चले आए। ठीक है, अपना पंचे सबको आए, अब हम पंचे चली, विश्राम दिन शुरू होने वाला है। इतवार का भिनसारेन मेहरिया महमहात ओन्हा लेके कबर में आई। उ लोग कबर के पथरा का ढंगा पाइन और उ जब भीतरे गई तो दिखिन कि प्रभु यीशु के लहास हुआ नहीं आ। का मरे में कहे ढूंढता है, ऊ यहाँ नहीं आई, पै ऊ जी उठे हैं, याद कराऊं गलील में का कहे रहे हैं, कि ऊ पापिन के हाथ पकड़वाए जाई, क्रूस में चढ़ाए जाई, आओ तीसरे दिन आ जी उठी ही। प्रभु जी की लाश वहाँ नहीं रही। प्रभु की लाश नहीं आए और हम ही दुई मनाई दिखानी स्वर्ग दूत सूर के नाई चमकत रहे और हमसे कहीं तू लोग जियत का मरे में काहे ढूंढते हैं, या सही आए हम और विश्वास करा। विश्वास हम उनका दिखान और अपना जाके देख ले, कबर खाली है, प्रभु जी वहाँ नहीं आए। पतरस हमरे पर भरोसा करा। प्रभु यीशु दूचे चेलन का पुण्य दिखाने तब उन खुशी खुशी अपने साथिन के लगे गए। प्रभु जी सही मजी आए हैं, उन शियाओं का दिखाने हैं। पहले उनका गली में हम नहीं चिन्हे पाए, पर जब वो रोटी तोड़ी तब है उनका पहचाने। इमाउंस माँ वहाँ कई सन के पहुँच गए। तुम पचेन का शांति मिले। तू पचे सुचान काहे है, तोहरे मन में शंका काहे हो रही है। देखा हमरे हाथन और पावन का और जाना के हम ही नाहिन, हमका छुआ तो पहचान लेहा। काहे के आत्मा के हड्डी और मांस नहीं हो पाए हमरे में तुम दिखते है। हम यह बात तो करत रहें जब तोहरे पचन के साथ रहें। हमरे बारे में मूसा भविष्यवक्ता के किताबन में और भजन संहिता में जौन लिखा है वह सब पूर्व है। यह लिखा रहा ना कि मसीह का दुख उठावे का परी और तीसरे दिन वो मरे मां से पुन के जी उठी और उनके नाम से पश्चाताप और पापन के क्षमा संदेश यरूशलेम से लेके सारे संसार में प्रचारित कीन जाई। तू पंचे इवातन के गवाह है और हम खुद अपने पिता के वचन तोहरे लाने पूर करब। सरग से शक्ति पावे तक तुहका यरूशलेम में इंतजार करेगा पड़ी।
परमेश्वर रक्षा करे और आशीष दे। सड़क और भूइया के सगले अधिकार हमका दीन गे हैं। इन्हीं से जाए के सगले जाति के लोगन का चेला बनावा और उन्हीं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाव से बपतिस्मा दे और उन्हीं सगली बातन का मानक सिखावा जौन हम तुम पचन का आज्ञा दिए हैं और देखा हम जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे वचन के साथ हैं। आमीन। जौने कबर में प्रभु यीशु के लहास रखी गए रही वह आजाओ खाली है। क्रूस मां अपने मरे के तीन दिना के बाद ऊ मरे मां से जी आए, ऊ जीवित हैं और अपना के जीवन मां आवे चाहत हैं। प्रभु यीशु खुदाओ कहिन, मर के जियब और जीवन हम ही ना हैं, जे हमरे ऊपर विश्वास करी वह मर के जियत रही। प्रभु यीशु का मरे मां से जीवित भय करीबन 2000 बरिस हो चुका है और ऊ अजवो अपने सामर्थ्य और महानता के प्रभाव के साथ संसार में जीवित हैं। बीते वाली शताब्दी में कई अक्खे वैभवशाली मनई आए और चले गए, शासक, विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक और बहुत से धर्म ज्ञानी आए और चले गए, पर यीशु अजवो जीवित हैं और संसार के इतिहास में सबसे अद्भुत मनई हैं। उनकर जन्म अद्भुत रहा। धर्मशास्त्र बतावत है कि उनकर जन्म मरियम नाम के कुमारी से भरा रहा। यीशु के जीवन अनूठा रहा। उनकर जीवन दिव्य शक्ति का दर्शावत रहा। उन निष्पाप और पवित्र जीवन जिए रहे और ऐसा अद्भुत काम कहीं जो कोहू नहीं कह सकत रहा। उनकर संदेश अनोखा रहा। जे लोग प्रभु यीशु का व्यक्तिगत रूप से आपन मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में मानत हैं, उन्हें प्रभु यीशु प्रेम, क्षमा और जीवन के नया मार्ग देते हैं। जहां कहां उनकर संदेश पहुंचा, वहां लोगन का नया जीवन, नई आशा और जिए के लाने नया उद्देश्य मिला। क्रूस मां उनकर मृत्यु अनोखी रही। 2000 बरिस पहले परमेश्वर अपने लड़का यीशु का मनुष्य जाति के पापन के लाने बलिदान होकर भेजे रहे। ऊ अपना के लाने मरे और तीन दिना बाद उनकर पुण्य के जी उठा अनोखा रहा। उनके मरे के तीन दिना बाद इतिहास के सभी से अद्भुत घटना घटी। यीशु मरे मां से जी उठे। उनकर जन्म, उनकर जीवन, उनकर मौत और उनकर पुण्य के जी उठप यह सब सिद्ध करत है कि प्रभु यीशु अपने दावे के अनुसार सही में मनुष्य जात के उद्धार करता और परमेश्वर के लड़का आही। प्रभु यीशु अजवो जीवित हैं और ऊ अपना के जीवन में आवे चाहत हैं। ऊ अपना के पापन का क्षमा करे चाहत हैं और अपना का जीवन जिए के सामर्थ दे चाहत हैं। उनके वचनन का सुनी। हे मेहनत करे वाले और बोझ से दबे लोग, हमरे लखे आवा, हम तो ही विश्राम देव। मार्ग सत्य और जीवन हम ही ना हैं, हमरे बिना को पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सके। पवित्र शास्त्र बाइबल हमका बतावत ही कि सब कोहू पाप कीन है और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। धर्म शास्त्र में यह लिखा है कि पाप के मजूरी का मौत आए, पर परमेश्वर के दान प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन आए। प्रभु यीशु अपने बलिदान से सबके पाप के दंडन का भर दीन है और ऊ अब अपना के जीवन में आवे का तैयार हैं। देखा हम मन के द्वारे में ठाड़े खटखटाई थे, आहट सुन के जो को द्वार खोली तहम भीतर आऊ। उनके प्रेम और क्षमा और अनंत जीवन पावे के लाने अपना का उन्हीं स्वीकार करे पड़ी। अपने पापन से मुक्ति पावे के लाने अपना का उनका अपने जीवन में प्रभु के रूप में आमंत्रित करे पड़ी। जो यह अपना के हार्दिक इच्छा आयता अपना विश्वास से प्रार्थना कह सकित हैं और प्रभु यीशु अपना के जीवन में आई
अपना यह मेर प्रार्थना कह सकित हैं। प्रभु यीशु हम ही अपना के आवश्यकता है, हमारे लाने क्रूस में प्राण दे के धन्यवाद। हम अपने जीवन के द्वार खोल के अपना का आपन प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करी था। हमारे जीवन के नियंत्रण अपना अपने हाथे में ले ली और जैसन मनई अपना हम ही बनावे चाहिए था वैसा हमका बनाई। आमीन। जो यह प्रार्थना अपना के मन की इच्छा का प्रकट करत है तो जहाँ कहाँ अपना हान यह प्रार्थना का हमारे पीछे दोहराई। हम यही इकट्ठे बोली थे प्रभु यीशु हम ही अपना की आवश्यकता है, हमारे खातिर क्रूस में प्राण देके धन्यवाद। हम अपने जीवन के द्वार खोल के अपना का आपन प्रभु और उद्धारकर्ता मानित हैं। हमारे जीवन के नियंत्रण अपना अपने हाथ में ले ली और जैसन मनई अपना हम ही बनावे चाहित हैं वैसने बनाई। आमीन। जैसन अपना यह विश्वास के साथ प्रार्थना किए हैं अब अपना यह विश्वास करी कि यीशु अपना के जीवन में आए गए हैं, काहे कि ऊ यह कहा थे कि जो को हमें उत्तर देत है हम उके जीवन में जरूर आऊ। अपना यह विश्वास कह सकित हैं कि अपना के पापन का क्षमा कई दिन का है, काहे कि अपना अब परमेश्वर के लड़कियां हो गया है और अनंत जीवन अपना के आए। जो अपना अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करे चाहित हैं ता अपना का उनसे रोज प्रार्थना में बात करब जरूरी है। अपना अपने जीवन का शुभ समाचार या बाइबिल पढ़ के निकाह बनाए सकित हैं और जब अपना दूसरे लोगों से मिली थान ता उनसे प्रेम से मिली और हमेशा अपना यीशु के यह वचन का अपने जीवन में याद रखी। हम तो ही वचन का कभू न छोड़ब और न त्यागब, देखा जगत के अंत तक हम तुम्हारे साथ हैं।